दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराजा सुहेलदेव के बारे में। ये 11वीं शताब्दी के एक भारतीय राजा थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बहादुर और वीर योद्धा थे। कहानियों में है कि उन्होंने बाहर से आने वाले दुश्मनों से जमकर लोहा लिया और अपनी प्रजा की रक्षा की। लेकिन दोस्तों, सुहेलदेव की जिंदगी रहस्यों और विवादों से भरी हुई है, खासकर उनकी जाति और इतिहास को लेकर। बहुत सारे समुदाय जैसे कि पासी, राजभर और राजपूत उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। ये दावा खासकर एक 17वीं शताब्दी की किताब मिरात ए मसूदी पर आधारित है। इस किताब में सुहेलदेव को एक हिंदू राजा बताया गया है जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन दोस्तों, इस दावे को साबित करने के लिए बहुत कम सबूत है, इसलिए सुहेलदेव के बारे में बहुत बहस होती रहती है। और ये बहस आजकल और भी तेज हो गई है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए सुहेलदेव के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। सुहेलदेव को लेकर सबसे बड़ा विवाद उनकी जाति का है। कौन से समुदाय से थे, इस पर अलग अलग मत हैं। पासी समुदाय का मानना है कि सुहेलदेव उनके ही समुदाय से थे। वो उन्हें एक दलित राजा मानते हैं जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। राजभर समुदाय सुहेलदेव को अपना पूर्वज मानते हुए उन्हें एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा के रूप में देखता है। राजपूत समुदाय भी सुहेलदेव को अपनी वंशावली से जोड़ते हैं और उन्हें एक महान योद्धा राजा मानते हैं। इन दावों के पीछे कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य और कहानियां जरूर हैं, लेकिन कोई भी दावा पक्के तौर पर सिद्ध नहीं हो पाया है, इसलिए भ्रम और विवाद बना हुआ है, क्योंकि हर समुदाय सुहेलदेव को अपनी पहचान और गौरव से जोड़कर देखता है। दोस्तों, सुहेलदेव की विरासत को लेकर चल रही बहस में अब राजनीति भी शामिल हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने, खासकर उत्तर प्रदेश में, सुहेलदेव को अपना आदर्श बनाकर लोगों के वोट बटोरने की कोशिश की है। भाजपा उन्हें एक राष्ट्रवादी नायक के रूप में प्रस्तुत करती है और कहती है कि उन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सुहेलदेव को दलितों और पिछड़ों का नेता बताती हैं। यह राजनीतिकरण सुहेलदेव के व्यक्तित्व और विरासत को लेकर और भ्रम पैदा करता है, क्योंकि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव के बारे में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके समय के बहुत कम लिखित दस्तावेज मिलते हैं। जो जानकारी है वो ज्यादातर कहानियों, लोकगीतों और स्थानीय मान्यताओं पर आधारित है। इनमें कल्पना भी हो सकती है, इसलिए इनकी सच्चाई पर सवाल उठना लाजमी है। समय के साथ कहानियां बदल जाती हैं, अलग अलग लोग उनका अलग अलग मतलब निकालते हैं, इसलिए इतिहासकारों के लिए सुहेलदेव के जीवन और कार्यों का सही सही पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, सुहेलदेव की विरासत एक तरफ तो शौर्य, बलिदान और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ उनकी जाति और पहचान को लेकर चल रहे विवाद ने समाज में फूट डालने का काम किया है। अलग अलग समुदाय सुहेलदेव को अपनी विरासत से जोड़कर अपना दावा मजबूत करना चाहते हैं। ये स्थिति सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है। इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें एक दूसरे से बातचीत करनी होगी और एक दूसरे को समझना होगा। अलग अलग समुदायों को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए और अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए। इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और अन्य विशेषज्ञों को भी इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। उनका उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना होना चाहिए, न कि किसी विशेष विचारधारा या राजनीतिक मकसद को बढ़ावा देना। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव की कहानी हमें इतिहास के महत्व और उससे सीखने की जरूरत की याद दिलाती है। इतिहास हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। हमें इतिहास का अध्ययन निष्पक्षता और ईमानदारी से करना चाहिए। हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। सुहेलदेव की विरासत हमें एकता, साहस
और देशभक्ति का संदेश देती है। हमें इस संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए और एक मजबूत और एकजुट भारत का निर्माण करना चाहिए। ये एकजुटता है। कोई प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।